फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने होमवर्क को भी कंप्लीट कर रहे हैं। कर रहे हैं ना आप लोग होमवर्क कंप्लीट? ऐसे ही करते रहिएगा, ओके? तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार हिंदी व्याकरण में चैप्टर 2 पढ़ा था, उसके बुक के कुछ क्वेश्चन भी किए थे और आज हम उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर कॉपी। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार प्रश्न संख्या 7 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, वर्ण किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं, पूर्णविराम। अब ख है, ध्वनि किसे कहते हैं? उत्तर लिखिएगा, मुख से निकलने वाले प्रत्येक स्वतंत्र स्वर को ध्वनि कहते हैं, पूर्णविराम। ग है, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर लिखिएगा, जिस शब्द को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। अब घ है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो बच्चों, आप लोग लिखिएगा उत्तर, जिस शब्द को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, कौमा, उसे व्यंजन कहते हैं, पूर्णविराम। अब पांचवा है, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर लिखिएगा, क्रम से लिखे हुए सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब छह है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? क्वेश्चन मार्क। उनके नाम लिखिए। तो उत्तर आप लोग लिखिएगा यहाँ से, संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। उनके नाम हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर इसका कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे अपने कॉपी में कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आप लोगों को इसे याद भी करना है क्योंकि स्कूल जब भी ओपन होगी मैं आप लोगों को इसका टेस्ट लूँगी और मौखिक रूप में भी पूछूँगी, आप लोग से सुनूँगी, ओके? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस होमवर्क को कंप्लीट करके रखेंगे। बाय। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।